नहीं, 10 की सीधा सौदा की टीम का एक क्विक सम अप आपकी स्क्रीन पर। भाई किसी ना किसी वजह से लाल हरे होंगे जरूर, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा इन केस ट्रेड वेड का मन हो। फोकस में भाई एचडीएफसी बैंक, जिसके शोल्डिंग पैटर्न के बाद उत्साह जागा हुआ है, ग्रीन है। आईईएक्स के जून बिजनेस अपडेट डिसेंट है, बढ़िया है इनफैक्ट। कंटेनर कॉरपोरेशन का वो जो अपडेट आ रहा है रेलवे की तरफ से कार्गो रिलेटेड, इनकरेजिंग है, तो इसको भी फायदा मिलना चाहिए। केईसी और आरवीएनएल ने ऑर्डर बैक करे। मॉइल का क्वार्टर का अपडेट है, और ये वो क्वार्टर है जब आपको याद होगा दरें खूब बढ़ी हुई थी, अच्छी खासी 14.5% बिक्री साल दर साल बढ़ी। श्रीराम ईपीसी ने एक्विजिशन का अपडेट दिया। ऑल कार्गो गति का लार्ज ट्रेड में वैसे ही पिटा हुआ स्टॉक है, और एक लार्ज इन्वेस्टर ने माल छोड़ दिया। जोमैटो ने अपनी वो एनबीएफसी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। सुंदरम क्लेटन की आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग पर इक्विटी इश्यूएंस के जरिए इसी ने ग्रीन कर दिया। ये है वो 10 स्टॉक जो आप रख सकते हैं अपने रडार। ओके, तो 10 इधर भी आप रडार पर रख सकते हैं, और बहुत सारी खबरें, बहुत सारे अपडेट्स हैं। पहला मॉस्चिप है, हालांकि इनका तो एक सीडैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गवर्नमेंट के, तो उसकी वजह से रखा है। एनवे एवेन्यू सुपरमार्ट का बिजनेस अपडेट भी अच्छा नहीं है, और सिटी ने सेल कॉल दिए 3400 के टारगेट के साथ। फोर्स मोटर्स का बिजनेस अपडेट वीक है, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल में दिक्कत है। एमएनएम फाइनेंशियल का भी बिजनेस अपडेट वीक देखने को मिल रहा है। पीएफसी आरईसी पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, और ज़बरदस्त बुलिश रिपोर्ट उन्होंने लिखी है। येस बैंक का बिजनेस अपडेट काफ़ी कमज़ोर इसमें देखने को मिल रहा है। पतंजलि फूड्स में एंटिक ने बाई कॉल दिया, उनका जो एक्विजिशन उन्होंने किया विद इन कंपनी वो काफ़ी बढ़िया है, 2100 से ऊपर के लक्ष्य हैं। ब्लू स्टार वोल्टास नतीजे उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि नतीजे काफ़ी अच्छे आने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। ओके, टीम्स को आपने देखा लगभग 24291 की ट्रैजेक्टरी को हम छू रहे हैं, एक सब्सटेंशियल गैप अप हो रहा है, और बैंक निफ्टी में लगभग 704। राजेश जी गुड मॉर्निंग, टीम्स में से क्या पिक कर रहे हैं अब आप इस ओपनिंग को देखने के बाद? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, अगर आशीष जी की टीम देखे तो मुझे लगता है कि जो सबसे बढ़िया चार्ट है वो है जोमैटो का। एक बहुत ही क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट मिला है, 209 के आसपास खुल रहा है, तो लॉन्ग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 200। मुझे लगता है एक स्विंग मिलना चाहिए करीबन 225-230 तक, तो जोमैटो पे नजर रहेगी। नीरज जी की टीम देखे तो मुझे लगता है इसमें बहुत ही क्लीन चार्ट मिलता है, एक तो पीएफसी एंड आरईसी। मुझे लगता है परसों इसमें ब्रेकआउट हुआ, कल का दिन पॉज था, और आज जो प्री ओपन में दिख रहा है उसमें से देखिए पीएफसी आप देखिए 512 स्पॉट में रेजिस्टेंस था, तो ये 512 के ऊपर खुल रहा है, तो ये ब्रेकआउट कैंडिडेट होगा। 535-540 का इसका एक स्विंग का टारगेट बनता है, तो पीएफसी इज अ बाय, स्टॉप लॉस होगा 500 का। ओके, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे आज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।